आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पंजाब में पेट्रोल डीजल हुआ है महंगा, सरकार ने बढ़ाया है वेट। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली, दरअसल राज्य मंत्रिमंडल ने कल जो है पेट्रोल में 61 पैसे और डीजल में 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल जो है पंजाब के अंदर पेट्रोल का खुदरा कीमत जो है 57 रुपए 1 पैसे, पेट्रोल और डीजल 87 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। पंजाब में पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमत चंडीगढ़ से ज्यादा है। वे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 24 पैसे और डीजल 82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों ने जो है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की निंदा पंजाब के अंदर की है। उनका कहना है कि इससे जो है उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। दरअसल बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार में वित्त मंत्री जो है हरपाल सिंह सीमा, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। चीमा ने कहा है कि ईंधन पर वेट बढ़ने से जो है डीजल से जो है 355 करोड़ और इसके अलावा पेट्रोल पर जो है 150 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। बात अब बताए अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए। BSNL की 5G सर्विस लाने की हो गई है तैयारी। यूजर्स ने यहाँ पर यूजर्स को कंपनी ने दी है बड़ी खुशखबरी। BSNL जो है 5G सर्विस की जो सर्विस जो है उसको लाने की तैयारी में है। दरअसल बात यह है कि BSNL जो है जल्दी अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल कंपनी जल्दी 5G सेवाएं जो है वो शुरू करने जा रही है। वह जानकारी के अनुसार नई तकनीकी के आगमन के साथ ही भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का एक नया युग जो है वो शुरू हो रहा है। BSNL भी अब जो है बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल होने जा रही है जो 5G जो है वो यहाँ पर देने जा रही है। दरअसल हाल में ही जब प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है, तब से BSNL के प्रति उपभोक्ता का रुझान जो है तेजी से बढ़ा है। अब कंपनी अपने ग्राहकों को किफायती और हाई क्वालिटी वाली सेवाएं देने पर विचार कर रही है। 5G सेवा की शुरुआत अब इस दिशा में BSNL का एक बड़ा कदम है। दरअसल BSNL इस समय जो है अपने 4G नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं कंपनी ने पहले ही जो है देश के कई हिस्सों में 4G सेवाएं भी शुरू कर दी है। इसके बाद अब 5G सेवा को लेकर BSNL अपनी योजनाओं से पर्दा जो है उसने उठा दिया है। जानकारी के अनुसार BSNL की 4G तकनीकी को सीधे 5G में अपग्रेड करने में यहाँ पर अब जो है करना यहाँ पर संभव है, जिससे कंपनी के लिए 5G नेटवर्क की शुरुआत ना तो बहुत मुश्किल होगी ना ही जो है महंगी होगी। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो BSNL के आंध्र प्रदेश के प्रमुख जो है उन्होंने यहाँ पर हालांकि मीडिया से बातचीत करने हुए बताया कि कंपनी 2025 में मकर संक्रांति के आसपास जो है 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। वहीं इसके तहत BSNL अपने मौजूदा 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर रही है। दरअसल इस प्रक्रिया से न केवल उपभोक्ताओं को तेजी या फिर किफायती इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होगी बल्कि BSNL को निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी अवसर जो है इसमें मिलेगा। वही कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है TCS उसके साथ मिलकर ये काम जो है वो करेगी। तो बड़ी खबर फिलहाल जो है ये निकल के सामने आ रही है BSNL ग्राहकों के लिए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स यानी EPF पेंशनर्स के लिए खुशखबरी देखिए। 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम। देश के अंदर जो है EPF जो पेंशन धारक है उनके लिए यहाँ पर बड़ी खबर। दरअसल श्रम मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है EPF की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी बैंक या पर किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यहाँ पर मंडाविया ने जो है कर्मचारी जो पेंशन योजना जो है EPF 1995 उसके एक अधिकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है CPPS उसका प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वही EPF शेष निर्णय लेने वाले जो केंद्रीय न्यायिक बोर्ड जो है CBT उसके चेयरपर्सन भी मनसुख मंडाविया है। उनके बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से जो पेंशन का वितरण जो है वो हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि CPPS की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबी समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्या का समाधान करती है। एक व्यवस्था निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करेगी। तो ये यहाँ पर सरकार की ओर से जो है वो जानकारी फिलहाल यहाँ पर दी गई है। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI लेकर आया है नया फास्टैग डिजाइन, अब कम होगा इंतजार। देश का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक जो है SBI यानी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो फास्टैग का एक नया डिजाइन लेकर आया है। इसे जो है
लोगों का इंतजार जो है वो यहाँ पर कम होगा और टोल जो है वो भी फास्ट यहाँ पर होगा, यानी जल्दी होगी टोल पर पेमेंट। दरअसल बात यह है कि अब टोल पर पेमेंट करने को वाले को लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फास्टैग को नया डिजाइन में पेश कर दिया है जो कंप्यूटर के लिए यात्रा के समय को और भी कम करेगा, टोल चार्ज में गड़बड़ियों को दूर करेगा। वही इस नए डिजाइन को खासतौर पर जो है कार जीप और वैन के लिए बनाया गया है जिसे गाड़ियों की पहचान और टोल कनेक्शन की प्रोसेस को पहले से आसान बनाया जाएगा। वैसे एक नया फास्टैग से यात्रियों को यात्रा करना जो है उसको आसान बना दिया। इसमें फास्टैग एक डिवाइस है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है उस तकनीकी पर काम करता है जिससे टोल का पेमेंट सीधे उससे जुड़े प्रीपेड या फिर सेविंग अकाउंट से हो जाता है। ये टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है जिससे ड्राइवर टोल प्लाजा पर रुक के बिना ही जो है टोल का पेमेंट कर सकते हैं। फास्टैग को टैग जारीकर्ता से खरीदा जा सकता है, इससे जरूरत के हिसाब से जो है रिचार्ज और टॉपअप भी यहाँ पर किया जा सकेगा। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि एसबीआई भी जो है अपना एक फास्टैग लेके आया है जिससे लोगों को जो है राहत मिलेगी। बात हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सुकन्या समृद्धि योजना में मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में होगा बड़ा बदलाव। नहीं किया ये काम तो अब बंद हो जाएगी स्कीम के अंदर अकाउंट। अगले महीने से सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी जो SSY जो है सुकन्या समृद्धि योजना उसमें नया नियम आने वाला है। दरअसल बात यह है कि अगर आप अपनी बेटी के लिए उज्ज्वल भविष्य योजना के अंदर निवेश का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने निवेश कर रखा है तो ये खबर आपको पूरी जो है ध्यान से जो है यहाँ पर देखनी चाहिए। दरअसल अगर आप अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको एक बार फिर से सुकन्या समृद्धि योजना की ओर ध्यान देना चाहिए। यह योजना बेटी के फ्यूचर के लिए काफी पॉपुलर है। वही स्कीम में मैच्योरिटी के बाद आपकी बेटी को लाखों रुपए तक मिल सकते हैं। यह राशि बेटी की पढ़ाई या फिर उसकी शादी में काफी मदद करेगी। वही सुकन्या समृद्धि योजना के में अक्टूबर से बदलाव होगा। अगर आपके पास भी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है तो आपको उसका जो ये खबर जो है पूरी आपको देखना चाहिए। दरअसल बात यह है कि नए नियमों के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना केवल पेरेंट्स या फिर कानूनी अभिभावकों को ही ऑपरेट जो है उसको कर सकेंगे। अगर आपकी बेटी का सुकन्या अकाउंट ऐसे व्यक्ति ने ओपन करवाया जो कानूनी अभिभावक नहीं है तो आपको जो है जल्द से जल्द उस अकाउंट को ट्रांसफर करवा लें।